तो गाइज आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला होगा गाइज यदि आपने अभी ईमो पर किसी भी पर्सन को ब्लॉक कर दिया है और गाइज आप उस ब्लॉक किए हुए पर्सन को फिर से अनब्लॉक करना चाहते हैं तो गाइज आपसे अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं। तो गाइज जब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और गाइज बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करके ऑल पर सेट कर लेना जिससे कि गाइज ने आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल रही। तो गाइज वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले गाइज आपको अपने मोबाइल में ईमो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सेट प्रोफाइल वाला ऑप्शन शो करेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर गाइस आपको यहाँ पर सेटिंग एंड प्राइवेसी वाला ऑप्शन शो करेगा, तो यहाँ पर गाइस आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर गाइस आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की साइड आना है और यहाँ पर गाइस आपको ब्लॉक्ड लिस्ट का ऑप्शन शो करेगा, तो यहाँ पर गाइस आपको ब्लॉक लिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर जिस भी पर्सन को गाइस आपने ब्लॉक किया रहेगा वो उस पर्सन का जो आईडी है वो यहाँ पर शो करेगा और उसके जस्ट सामने अनब्लॉक का भी ऑप्शन शो करेगा। तो यहाँ पर गाइस जैसे गाइस आप यहाँ पर अनब्लॉक पर क्लिक करके फिर से अनब्लॉक पर क्लिक करेंगे तो गाइस आपकी जो वो आईडी है वो यहाँ से फिर से अनब्लॉक हो जाएगी। तो यहाँ पर गाइस मैंने उस फ्रेंड को ब्लॉक करके रखा हुआ था तो फिर से गाइस मैंने उसे अनब्लॉक कर दिया है गाइस। तो इस तरह से गाइस यदि गाइस आप भी ईमो एप्लीकेशन पर किसी भी फ्रेंड को ब्लॉक कर दिया और फिर से वो गाइस उसे अनब्लॉक करना चाहते हैं तो गाइस कुछ स्टेप से आपसे अनब्लॉक कर सकते हैं गाइस। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो चलो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए गाइस ताकि गाइस वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला रहेगी। थैंक यू गाइस।